अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हमेशा हम माजी के साथ अपने हाल का कंपैरिजन करते हैं, तो आज ऐसा ही कुछ कंपैरिजन हम भी करेंगे कि पिछले साल का रमज़ान और इस साल का रमज़ान कितना फ़र्क है, फलों में, सब्जियों में, ईद की ख़रीदारी में, शॉपिंग में। क्या लोगों को इस साल आसानी मिल रही है, क्या लग रहा है कि चीज़ें सस्ती हैं पिछले साल की निस्बत या महंगी हुई हैं? लोगों के हालात आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, उसमें फल, सब्जियाँ, ग्रॉसरी आइटम्स और ईद की शॉपिंग सब कुछ शामिल होगा। चलते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? राहत मजीद अवान। सर, मुझे बताएं, पिछले रमज़ान, पिछले साल का रमज़ान और इस रमज़ान में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है मुआशी तौर पर? कुछ रेट्स अभी इस साल बेहतर हैं, पिछले साल कुछ ज़्यादा रेट। किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? स्ट्रॉबेरी हो गई या ये जिसका खरबूजा। फल, फल सस्ते हैं इस साल और ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, घी, चीनी, आटा, वो तो 100% महंगी हो चुकी है। पिछले साल घी महंगा था, इस दफ़ा सस्ता है, ऑयल की कीमत कम हुई है, आटा सस्ता नहीं है, नॉर्मल से ही सस्ता है। ईद की शॉपिंग कर ली आपने? ईद की शॉपिंग नहीं, उसका कुछ अंदाज़ा है कि पिछले साल महंगा था या इस साल? मेरा ख्याल इस साल महंगा ही होगा। इस साल महंगा ही होगा लग रहा है आपको, क्यों? हर चीज़ महंगी है, तो पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, तो आपको सिर्फ लग रहा है फल सस्ते हैं पिछले साल से? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कुछ रेड़ी वालों से भी बात करते हैं जो फल बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कब से रेड़ी लगाते हैं? तकरीबन दो तीन साल हो गए। पिछले साल फल सस्ता था या इस साल रमज़ान में? इस साल थोड़ा सस्ता है। इस साल सस्ता है, क्या वजह है? हुकूमत की तरफ से आ रहा है, आपको लग रहा है ये हुकूमत की कामयाबी है? हाँ जी। और बाकी चीज़ों में कुछ सस्ता नज़र आ रहा है? बाकी चीज़ों में कोई चीज़ सस्ती नज़र नहीं आ रही इस टाइम भी। फल मकसद जैसे पहले पिछले साल में खरीदारी हुई थी, इस साल नहीं है। इस साल में खरीदारी नहीं हो रही है, लोगों में कुवत खरीद नहीं हो रही। पिछले साल आपकी ज़्यादा कमाई होती थी? कमाई नहीं हुई, ज़्यादा हुई, मकसद फटीकें ज़्यादा बन जाती हैं, वाल्डन वाले, मस्टेड, ये वो फटीकें ज़्यादा बन जाती हैं। जिधर भी जाए ना, गरीब बंदा मारा जाता है। जिधर भी जाए गरीब बंदा बेचारा पिसता है। सही कह रहे हैं आप जी, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की निस्बत फल जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन ख़रीदारी लोगों की तरफ से जो है वो कम हुई है, और फटीकें ज़्यादा हो गई हैं इस साल। भाई ने सही कहा है कि फटीक ज़्यादा पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खरबूजे कितने के हैं? 160 रुपये का। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट 180-190। इतना सस्ता क्यों दे रहे हो आप? बस रमज़ान की खातिर। रमज़ान की खातिर, अरे क्या ज़बरदस्त बात है। मुझे बताएं, पिछले रमज़ान ज़्यादा महंगे थे फल या इस रमज़ान में? इस रमज़ान में महंगे। महंगे? वो वाले भाई कह रहे हैं फल सस्ते होंगे, मुझे भी लगता है महंगे सस्ते होंगे। पिछले साल जो था 80 रुपये रेट था इसका खरबूजे का। अच्छा, खरबूजा महंगा हुआ है। आप सेब 350 था, इस दफ़ा 250 तो सेब सस्ता हुआ ना? सेब भी सस्ता है। कुछ फल सस्ते हुए हैं, कुछ फल सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें सस्ती हुई हैं? घी, आटा, चीनी, पिछले साल की लेने जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तक लेने नहीं गए? ठीक है, लेने जाएंगे तो पता लगेगा। एक और अंकल यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अंकल, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, काम ढूंढते हैं। मुझे बताएं, इस साल का रमज़ान पिछले साल की निस्बत अच्छा है, सस्ता है? बहुत महंगा, बहुत महंगा। क्या चीज़ें महंगी हैं? हर चीज़ महंगी है, सेब महंगा है, ये खरबूजा महंगा है, अमरूद, हर चीज़ 200 से ऊपर है। हर चीज़ 200 से। पिछले साल सेब 450-350 मिल रहा था, इस दफ़ा 250 मिल रहा है। नहीं महंगा, बीच में गले छले डाल देते हैं, बीच में चला आते हैं। आपको लग रहा है सारा कुछ महंगा ही हुआ है? रमज़ान से आसान नहीं हुआ इस साल। किसी किस्म का आसानी उन्होंने पैदा कब की है मुझे ये बताओ? ये आसानी पैदा करने के लिए आए हैं? ये तो मुल्क का फैला गलत करने के लिए आए हैं। इनको पता, इनके मिस्टेक किधर हैं सारे? कितने सोए हुए सारे मिस्टेक घरों में बैठे हुए हैं। वो भी कह रहे थे फटीकें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, छापे मारते हैं, मैं जिस पे जुर्माने करते हैं। कोई मिस्टेक आपको नज़र नहीं आएगा सुबह से लेकर शाम तक, या कोई मिस्टेक नहीं, पूरा लाहौर घूमा। आपको लग रहा है कोई कहीं आपको मिस्टेक नज़र आया मीडिया वालों को? बताया मुझे पूरा रोड पर जाए, किधर है मिस्टेक? आते क्यों नहीं चेक करते आप? घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, कख नहीं करते। सही है। और किधर वो मरियम नवाज का वाले कह रहे हैं चार चक्कर लगा रहे हैं। अंकल उनकी सुने ना, छापा छोड़ो पड़ता है। नहीं नहीं, उनको की छोड़ो, छापा उन पे पड़ता है, जुर्माने उनको होते हैं। ले आप कहीं जा रहे हैं, कोई नहीं आया, वो कह रहे हैं चार चक्कर लगा गए हैं। दुकानदार को ज्यादा बताइए, मेरी बात सुनो। मैं ये बता रहा हूँ, किधर वो मरियम नवाज का जो घर घर राशन पहुँचाना है? बुलाओ जरा मरियम नवाज। मैंने करोड़ों लोगों को बांट रहे हैं हम। मेरी बात सुने, मरियम नवाज का अच्छा मेरी तरफ बात करवाए, मैं उनसे वाल से मिला हुआ हूँ, मुलाकात हुई। अच्छा,
आपको लग रहा है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? मेरी बात सुना, ये घर घर राशन मैं आबादी में लोगों को ले आता हूँ इकट्ठा करके, कोई एक औरत मुझे बता रहे कि हमारे घर में। ठीक है, आप गवर्नमेंट से नाराज है, नहीं काम कर रही गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। फलों की जरूरत हाल हमने आपको दिखाई, यहाँ पर खजूरें, सेब, खरबूजे, और एक दुकानदार तो बड़ा एक्सपर्ट था, उसने कंपैरिजन कर दिया। उसने कहा पिछले साल खरबूजा 80 रुपये मिलता था, इस दफ़ा 160 रुपये मिल रहा है। पिछले साल रमज़ान में सेब जो है वो 350-400 रुपये था, इस वक्त 250 रुपये मिल रहा है। मजिस्ट्रेट चक्कर लगा रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं, लेकिन शहरी अभी भी नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि अभी भी ये जो 200-200 से ऊपर का फल है ये हमारी रेंज से बाहर है और हमारी कुवत खरीद से बाहर है। तो लोगों के हालात ईद भी सर पर है, आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से लोग देख रहे हैं पिछले साल की महंगाई को और इस साल की महंगाई को, क्योंकि रोज़गार और आपकी इनकम भी बड़ी डिपेंड करती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जब भी हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसमें फल और ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उसके बाद सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खरीदी जाती हैं, खाई जाती हैं, इफ्तार में लोग ऑब्वियसली उनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि सब्ज़ियों की कीमतों में इस वक्त क्या सिचुएशन है और पिछले साल के नस्बत इस साल क्या सब्ज़ियाँ सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, शहरी इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है वो कहीं ना कहीं हमें रिमाइंडर भी देता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हर साल जब महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है तो लोगों की परेशानियाँ बढ़ती हैं और मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी सी रहती है, लेकिन अगर हम ये कंपैरिजन लोगों की ज़बानी करें तो समझ आ जाता है कि मुल्क किस समझ जा रहा है और हालात किस समझ जा रहे हैं। पर लोग ख़रीदारी करने आए हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं, पहले हम दुकानदार के पास चलते हैं जो लेडी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आलू किस तरह दे रहे हैं? आलू 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, इतने सस्ते कर दिए, क्यों? तो डैमेज निकलती है ना थोड़े थोड़े, हाँ। तो वो हम 30 ही भेजते हैं। अच्छा, वैसे क्या रेट चल रहा है? वैसे तो मेरा 50 रुपए। लोग खरीद के जाते होंगे ना, 60 रुपए जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो 30 रुपए वाला ले लेते हैं। शहरी बार में लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। पिछले साल की नस्बत सब्जियाँ सस्ती हैं इस दफ़ा? नहीं, रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, आज पीछा कल पीछा। नहीं, लेकिन पिछले साल रमज़ान में जिस कीमत पे चीज़ें जा रही थी, कुछ याद है इस साल सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? नहीं, वैसे ही है, वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नज़र नहीं आया। ठीक है, आए जी, और लोगों के पास चलते हैं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाई, आलू किस तरह दे रहे हो? 60 रुपए भी हैं, 50 रुपए भी हैं। दो तरह के आलू हैं। मजिस्ट्रेट छापा मार के गए हैं कभी? आज आए थे चक्कर लगाने? दो दिन पहले आए थे। जुर्माना तो नहीं हुआ आपको? रेट लिस्ट के ऊपर दे रहे हो आप, बचत हो जाती है? हाँ, रेट पर 50 रुपये लिखा हुआ है ना, बचत हो जाती है? गुजारा हो रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, पिछले साल रमजान सस्ता था, इस साल सस्ता है? जैसे जैसे आगे जाएगा महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा। सस्ता नहीं होगा, आपको लग रहा है इस दफा महंगा रमजान पिछली दफा की नस्बत सस्ता है थोड़ा? हमारा सिस्टम डॉलर से चल रहा है, जब डॉलर महंगा होता तो पिछले साल डॉलर ऊपर था, इस दफा थोड़ा नीचे है पिछले साल की नस्बत। महंगाई वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। ये पीछे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनकी तरफ मैं जाऊंगी, ये अंकल शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके? एक छोटा सा सवाल है मेरा, हर दफ़ा हम कंपैरिजन करते हैं, मैं भी इस दफ़ा कंपैरिजन कर रही हूँ कि पिछले साल का रमज़ान और इस साल का रमज़ान, खाने पीने की चीज़ें, बाज़ार में शॉपिंग की चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं? इस साल थोड़ा सा सस्ता है। इस साल सस्ता है, क्यों, क्या वजह लग रही है अभी? वजह तो ऊपर वालों को पता होगा। कौन सी चीज़ सस्ती लग रही है इस साल आपको? ये सब्जियां और फ्रूट वगैरह थोड़ा सा इस साल सस्ता। सब्जियां और फ्रूट वगैरह सस्ते हुए हैं ना, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं जी ऊपर ही जा रहा है। सर घी बड़ा सस्ता हुआ, पिछले साल महंगा था, इस दफा सस्ता है, हुआ है ना फर्क पड़ा? 800 रुपए किलो थे, अब 200 है। 800 से 200 पे आई है, इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती हुई हैं। 800 से 200 पे आए हैं, वो दुकानदार कह रहे हैं कि खजूरें 800 रुपए थी और अब 200 रुपए हैं, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? मैं कब से देख रही थी आपको, आप यहाँ बैठे, मैंने कहा आपके पास आके बात करते हैं। ठीक जा रही है तबीयत? ठीक है आप? रमज़ान ठीक गुजर है? अंकल मुझे बताएं, इस दफ़ा का रमज़ान और पिछले दफ़ा का रमज़ान को फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत फ़र्क है। क्या कारोबार ही नहीं है पिछले साल? कारोबार था जी,
बस हालात इस तरह ही हैं, कारोबार है ही नहीं, सारा दिन बैठ बैठ कर हम घर चले जाते हैं। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हैं, कितनी देर होगी दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी का क्या, एक लाख की चार छुट्टी पांच छुट्टी, आठ आठ दिन काम नहीं होता है। रमजान में तो वैसे ही सुस्त हो जाता है, इतनी है कि बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं इस साल सब्जियाँ फल थोड़े सस्ते हुए हैं। बहुत महंगे हैं, प्याज 200 से ऊपर है, गरीब आदमी से कुछ नहीं लिया जा रहा, ऊपर से गैस का बिल है, कारोबार है नहीं। पहले बत्ती कोर होते थे, अब गैस कोर हो रहे हैं, आगे पता नहीं गर्मी में बत्ती क्या करेंगे, किस किस चीज़ को रोएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ नहीं? अल्लाह ही हाफिज है, और हालात कोई नहीं, और हालात कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, तानू यही लग रहा है? कारोबार के हालात बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। हाँ। इतने जड़ा ना जी चीज भी हाथ रहा चीज महंगी तो महंगी मिलती है, तो कारोबार है कौन ही। हाँ। कारोबार ऐसे लग रही है खान पीन की चीज़ें सस्ती हुई हैं पिछले साल की नस्बत। पूरे रमजान शरीफ से, पूरे रमजान शरीफ से गरीब आदमी तो फल ला ही नहीं सकता, फल गरीब आदमी नहीं ला सकता। कल मैं 100 रुपये के खजूर लिया ने, उन्हें मैं 75 ग्राम दिखाई ने, गरीब आदमी की खा सकता है की खा सकता है की कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, जरा यहाँ आ जाए। हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल का रमज़ान और इस साल का रमज़ान, मतलब एक कंपैरिजन तो मैंने ये किया कि पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी रमज़ान में, इस दफ़ा अल्लाह ताला का करम है कि दो दिन गर्मी आती है तीसरा दिन ठीक होती है। एक मिनट अंकल, आपको क्या लग रहा है खाने पीने की चीज़ें पिछले साल की नस्बत सस्ती हुई हैं या महंगी हुई? सस्ती हो या मिले तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, साफ नज़र आता पाया वा, पहले 200 जी 100 हो गई, 10 भी घट गई वा, देखो तो इन्ना सवाल नहीं, वधिया कोई सवाल करो, है तो कोई खास गल नहीं कीती नहीं, है कोई खास गल नहीं कीती, चलो तुसी कोई खास गल दस्सो। चक्कर की है, अगर चीज़ मिसाल 100 रुपये से ना, तो अगर 50 हुई फिर 10,000 सस्ता होया, मिसाल 10 रुपये घट गई या 10 वध गई। दुकानदार कह रहे थे पिछले साल 800 रुपये किलो खजूरा, इस साल 200 रुपये मिल रहे हैं महंगाई हालात ना लोगों के हालात नहीं ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਆਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਵੈਸੇ? ਅਸੀਂ 500 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈਲੋ? ਹੈਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप सब लोग हमारे साथ मौजूद थे। एक अंकल मुझे बार बार कही जा रहे हैं चंगा सवाल करो, मैंने कहा आप चंगा जवाब दे दें जो आप देना चाहते हैं। बहरहाल बात महंगाई के ऊपर हो रही है, और पिछले साल की नस्बत अगर महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो आपकी इनकम के साथ है, कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको चीज़ें सस्ती और आसान लगेंगी, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको यही मौजूदा चीज़ें जिसको लोग अक्सर कह रहे हैं कि पिछले साल की नस्बत सस्ती हैं, वो महंगी लगना शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर हम देख रहे हैं यहाँ पर रेडियो से लोग शॉपिंग करने आते हैं कि दुकानों की नस्बत यहाँ फल और सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती हैं, और कुछ ख़वातीन मैं देख रही हूँ कि खुद से सब्ज़ियाँ खरीदने आई हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो जानती हैं कि किस हांडी में कितनी किस प्रोपोर्शन में चीज़ जानी है, वो मसाले की सब्ज़ियाँ या बाकी चीज़ें हैं, और उनको बड़ा अंदाज़ा रहता है कीमतों का और बजटिंग का। तो उनसे जानते हैं कि इस साल में उनको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल हुए हैं। आए मेरे साथ। आपका
सब्जी लेने आई हैं आप, यहाँ से सस्ती मिलती है या दुकान से सस्ती मिलती है? नहीं, दुकान से महंगी मिलती है, यहाँ से थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, 10 रुपए का फर्क। हाँ, और वो फायदा हो जाता है जब आप एक साथ ज्यादा ले जाते हैं। आपको लग रहा है पिछले साल और इस साल रमजान इस साल ज्यादा महंगाई, इस साल ज्यादा महंगाई, किन चीजों की बात कर रहे हैं? ये जो रोजमर्रा की चीजें ये भी बहुत महंगी है, ये भी बहुत महंगी है। अच्छा, अक्सर लोग कह रहे हैं फल सस्ते हैं इस दफा, सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। अब रमजान जब शुरू हुआ था ना तब प्याज तकरीबन 350 था। हाँ। अब ये 300 तक दे रहे हैं, 280 तक दे रहे हैं, यानी कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की चीजें ना वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। घी सस्ता हुआ है, पिछले साल महंगा था, इस दफा घी और आटा थोड़ा सा फर्क पड़ा, आटा सस्ता हुआ है, आटे का थैला थोड़ा सा सस्ता हुआ है। हाँ, वो हुआ होगा उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ा है। लग रहा है आपको कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अब कुछ है कि अब प्याज जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ है, थोड़ी कम हुई है? नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें तो लग रहा है कुछ सिस्टम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है। तो नहीं पता चलता ना, आहिस्ता आहिस्ता ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी नहीं की। कपड़ों में कुछ पता लग रहा है, कुछ सस्ते हुए हैं कपड़े? नहीं, महंगे हुए हैं, महंगे ही हैं, महंगे ही हैं। बच्चों के कपड़े, बच्चों के भी, बड़ों के, हमारे भी, मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा आपको? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब्जी की खरीदारी करने आई है? बिल्कुल। कुछ लग रहा है चीजें प्राइसेस कम हुई हैं? नॉट एट ऑल। इस मुल्क का पता नहीं क्या बन रहा है, हम सोच नहीं सकते कि ये ज़रूरत की चीज़ है। लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर के बगैर आप हांडी नहीं पका सकते। मसाले की सब्जियां, मसाले की सब्जियां। हाँ। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इसके बगैर हांडी नहीं पका सकते। तो हमारे हुक्मरान किधर है, किधर है हमारे हुक्मरान? वो क्यों नहीं सोचते हम रमज़ान है, हम फ्रूट नहीं खाएंगे, फ्रूट को तो हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये तो लेंगे ना, बच्चों को पका के रोटी तो खिलाएंगे ना। तो ये देखें, अब मैं लहसुन लेने लगी हूँ 150 का पाव, 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, हद है कि 150 का मैंने पाव लहसुन लिया। अच्छा, दुकानदार कह रहे हैं और हमारा डाटा भी ये शो करता है, पिछले साल रमजान में सब्जियाँ और फल महंगे थे, इस दफा थोड़े सस्ते हैं? नहीं, 250 रुपए मिल रहा है सेब, 160 रुपए खरबूजा, 200 रुपए अमरूद, 300 से नीचे, 100 से ऊपर है। 2 किलो से तो कम है नहीं, आपको लग रहा है लास्ट ईयर के रमजान से ये रमजान बेहतर नहीं है, मुश्किल है? मुश्किल है, ऊपर को जाता है रेट में, नीचे को नहीं आता, नीचे को नहीं आता, नहीं लगता कि कमाई के दिन ही है। आपको लगता है रिवर्स गियर नहीं लगता? नहीं, नहीं, नहीं। एक भाई थे यहाँ पर, अभी गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ था उस चीज़ का 50 रुपए, लेट्स से, और वो 30 रुपए में दे रहा है, वो कहता है मैं खुद सस्ता दे रहा हूँ ताकि रमजान है। आप पूछे ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आंटी आप पूछे, मैं आपके साथ हूँ, पूछे इनसे, बताए आपकी रेट लिस्ट किधर है अंकल? रेट लिस्ट किधर है? सरकारी रेट लिस्ट किधर है? किधर है रेट लिस्ट? किधर है? मजिस्ट्रेट छापा लगाते हैं ना, तो फिर जुर्माने होते हैं आपको। ये आपने अंदर क्यों रखी हुई है, ये हमें पहले दिखा, हमें आपसे पूछने कितने के है, तो आपने कहा 150, हमारी मजबूरी है, हमने लेने हैं। हाँ, तो लेकिन इसमें चाचू प्याज कितने के दे रहे हैं? प्याज हम ये बेच रहे हैं 150 रुपए किलो, और ये बेच रहे हैं 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, यहाँ पे क्या कीमत लिखी हुई है? 275 किलो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने 150 का हमें एक पाव दिया है। अब 150 रुपए और 200 रुपए में जो लहसुन बिक रहा है, जो नया लहसुन आया है वो कच्चा लहसुन है। अभी जब उसको अंकल, ये वाली लॉजिक्स बड़ी पुरानी है, ये वाली लॉजिक्स बड़ी पुरानी है। देखिए तो सही, कैमरा देख रहा है, आप देखिए कैमरा नया है, आंटी को पता है लहसुन को आप जब ये नया है, आप इसको पुराना नहीं कह सकते। क्यों बात कर रहे हैं, मैं पुराना नहीं कह रहा, हाँ जी नया है, लेकिन नया जो है नया ये पहले का आया हुआ है, ये नया पहले जब शुरू होता है। प्याज कितने का दे रहे हो? प्याज 200 रुपए किलो, 190 रुपए लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 190 रुपए किलो। वो दूसरा ये वाला प्याज नहीं सर, ये लिखा हुआ है दर्जा अव्वल, लिखा हुआ है 190। दर्जा अव्वल में दो किस्म का प्याज आ रहा है। हाँ। आप मंडियों में जाएं, वहाँ पे रेट लिस्ट चेक करें, मंडियों में देखें। अंकल लास्ट टाइम जुर्माना कब हुआ था आपको? हाँ जी, जुर्माना करके गए मैजिस्ट्रेट? हाँ, आपको पिछले दिनों में जुर्माना करके? कितना? 2000 रुपए। जुर्माना क्यों हुआ था? हाँ। उन्होंने लिस्ट की वजह से ही जुर्माना। हाँ। हाँ। देखा, इसी वजह से लिस्ट की वजह से भी हुआ था, और आप इसको कह रही हैं कि ये एक नंबर नहीं है, वो दो नंबर है, ये एक नंबर।
हाँ तो ये महंगा दे रहे हैं ना, ये सस्ता दे रहे हैं पूरा। आप ये रोड घूम रहे हैं, आपके पास कैमरा है, ये पूरा रोड घूम रहे हैं। किसी ने रेड प्याज लगाया होगा, आप जिस रेट पे कहेंगे मैं उसी रेट पे भेज दूंगा। ये इम्पोर्टेड वाला है, ये देसी है। जब ये इसका मंडी में जो रेट है वो तकरीबन मंडी में जाकर पूछे इसमें जमा मंडी का रेट पे भी पैसे दे रहे हैं, मंडियों को पकड़े जा रहे। नहीं, इसके मुताबिक ये वाला प्याज दे रहे हैं, ये वाला वो कह रहे हैं। हमारी सिस्टम में खराबी है ना, सिस्टम में खराबी है। आपने यू गॉट द पॉइंट कि हमारा ये जो रेट लिस्ट है ना, इस पे अमल दरामद नहीं होता। लेकिन मुझे बताएं, इसमें फिर इन दुकानदारों का भी तो कसूर है। असल बात हमारे हैं, हम कहते मुझे 2000 जुर्माना हुआ है। आज अगले दिन हम जब भी हमारे पास में मसला हम पकड़ते हैं तो मिडल मैन को पकड़ते हैं ना। हमारी जहाँ से असल में खराबी है, रूट कॉज तो हम तो जाते ही नहीं है, रूट कॉज है क्या? सही कह रहे हैं। तो अगर हम रूट की रूट कॉज नहीं है, हमें जाना चाहिए पीछे मंडी, मंडी जाना चाहिए। आगे इनको जो डिलीवर करके जाते हैं उनको पकड़े, क्या रेट दे के जा रहे हैं। मतलब अगर बेहतर करना है तो ये सब करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। ये कौन करेगा, कौन करेगा? मीडिया स्ट्रगल कर सकता है मीडिया। आंटी मैं कोशिश आप कर रही हैं, आप हर रोज कोशिश कर रही हैं, आप रोज कर रहे हैं ना, तो उसका फायदा कहीं आपको नजर आया शायद? हम अगर ये सोच कर बैठेंगे फायदा नहीं है, कुछ ना करें तो कोशिश करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं तो आवाम की आवाज पहुंचा रही हूं उन तक जो बैठे हैं हमारे ऐवानों में, जो हमारे हमारे हुक्मरान हैं उन्हें नजर आए। हमारा बेसिक नीड्स का प्रॉब्लम है ना, हम बेसिक नीड्स से आगे निकल के हम इनोवेशंस की तरफ जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल काफी नाराज हो गए। थैंक यू आंटी, बात नहीं है। आप इसके ऊपर चढ़ रही हैं, मैं नहीं चढ़ रही इस रेट से। अंकल मैं नहीं चढ़ रही, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ सरकारी रेट। इन चीजों को पूछने वाले हैं आप, उनको लेके आओ इधर। ये उनका काम है, इसका काम नहीं है। आप सुन रहे थे, मैंने भी यही कहा। रूट कॉज को इसका क्या बिचारे का, ये मंडी से जिसने लाएगा उसने बेचेगा। मंडी कौन छापे मारता है? इसका इसका 2000 का चालान कर दिया, ये तो मर गया ना, इसलिए उसने झाड़ी नहीं कमाई जितना मर गया। मैं रक्षा चलाता हूँ, सुबह से फिर रहा हूँ, मैंने सवारी नहीं उठाई। ठीक है, तो क्या होगा? तो अंकल ये रौला तो डाले ना कि फिर ये जो सरकारी रेट देते हैं हम नहीं बेच सकते इस पर, उनसे बात तो करें। इस मुल्क में सुनेगा कौन अगर ये कहते हम नहीं बेच सकते? ना बेचे कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, कौन देखेगा? हाँ, मंडी वालों को पकड़ना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सामने को अंकल, क्या हाल है आपके अंकल? वो चाचू नाराज हो रहे थे मेरे से कि आप क्यों सवाल कर रही हैं उससे कि सरकारी रेट पे क्यों नहीं बेच रहे। एक सरकारी रेट है, एक इनका अपना रेट है, फिर एक इलाके का रेट है। कोई नहीं है, दुनिया में जिधर मर्जी चल जाओ, दुबई चल जाओ, मस्कत चल जाओ, सऊदी जाओ, एक रेट किधर भी नहीं, किधर भी नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता। तो कसूर किसका होता है? कसूर गवर्नमेंट का होता है या दुकान? गवर्नमेंट का नहीं, ये जो मगरमच्छ बैठे हुए माफिया बैठे हुए। आप ये क्या? अच्छा मुझे बताएं, पिछले साल रमजान की निस्बत इस साल कुछ चीजें सस्ती नजर आ रही हैं आपको या महंगी नजर आ रही? नहीं, महंगी है, महंगी है, महंगी है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। मरियम बाजी जिंदाबाद। यार इखलाकी बातें ना करें ना अंकल, ये तो हाल है हमारा कि हम आपके मसाइल के लिए, आपके टॉपिक्स के लिए बाहर निकलते हैं, आवाम से बात करते हैं, तो एकदम से फिर आप जो है वो अपना सियासी एजेंडा और गैर इखलाकी बातें लेते हैं। अंकल बात करना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है अंकल। कुछ सस्ती नज़र आ रही हैं चीज़ें पिछले साल रमज़ान के निस्बत? सोचिए ज़रा, इन पर जोर दें। कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं है अंकल। ऑयल पिछले साल महंगा था, इस साल सस्ता है। फल पिछले साल बहुत महंगा था, इस साल सस्ता है। साल सस्ता है लेकिन दूसरी चीजें महंगी हैं। देखिए ना, इनकम कम हो गई, ये भी फर्क पड़ता है। एक चीज को बढ़ा दें, एक मिसाल है 50 है, चीज 100 पे चली जाए तो उससे फिर 20 रुपए कम कर दें, ये तो 50 से तो 80 पे गई ना। ठीक है अंकल, ने फॉर्मूला सुना दिया पूरा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जब हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ईद की ख़रीदारी भी होता है, और हम पिछले साल की निस्बत इस साल का कंपैरिजन जो है वो दिखा रहे हैं और लोगों की राय इस पर आपसे शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रमज़ान कैसा गुजर है आपका? रमज़ान अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बहुत अच्छा गुजर है।
की रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है जी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत इस साल तो इस तरह से भी की है कि मौसम थोड़ा बेहतर है पिछले साल के। असल में जी जिसने रोजा रखना ना उसने रखना है, जिसने नहीं रखना तो उसने नहीं रखना, नहीं रखना। हाँ तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 64 प्लस हूँ माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कभी रोजा छोड़ा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अंकल मुझे बताएं रमजान में अब ईद की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, हम थोड़ा प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी हम फलों का कंपैरिजन दिखा के आए, सब्जियों का कंपैरिजन दिखाया, अब मैंने कहा जरा ईद शॉपिंग के बारे में भी बात कर लें, पिछले साल की निस्बत कुछ सस्ता हुआ है या महंगा है? कोई चीज़ सस्ती तो है ही नहीं है, सवाए ये है कि इंसानी जान सस्ती है, तफज कोई नहीं है। अब घर से निकले पता नहीं होगा कि मोबाइल छीनेंगे या आपकी जान जाएगी या और कोई नहीं, डोर वाले ही आपको मार देगा, लाश आएगी आप वैसे तो सस्ते वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है आपको। और मर्द जो है ना वो जो लड़कियां ना जी वो तो कोई भावें प्यो न छिले भावें भरा न छिले भावें बंदे न छिले उन्हें अपना सूट जुती पूरी कर लेनी होती है, तो बंदा अखीर तो यही समझता है कि यार मेरी बीवी ने पै लेने मेरे बच्चों ने पा लेने, अल्लाह का शुक्र है पर मेरी भी ईद हो ही गई है। नहीं अंकल ये आप गलत कह रहे हैं, यकीन करें मैं तो यही करता हूं। खवातीन बड़ा एहसास करती हैं ऐसे ना, बहुत काम करती हैं। नहीं नहीं बच्चों का पहले होता है फिर नहीं, बच्चे तो होते हैं लेकिन से पूछे मेरे शौहर है मेरे बच्चे हैं, मैंने अभी उनका सूट लेके जाना है, मुझे अपने कपड़ों का आप अर्निंग कर रही है ना, ये होना चाहिए ना, मैं ये तो इनकरेज करती हूं सबको करना चाहिए इसलिए, लेकिन हर खातून तो अर्निंग नहीं करती, हर खातून को करना चाहिए मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए। असल में अल्लाह ने उसके जुम्मे ये नहीं लगाया, वो खुद अपने जाते हैं या नहीं जाते हैं कि लेकिन महंगाई जो है ना महंगाई ने तो बंदे को पीस के रख दिया है। अगर जो अच्छे नजर आने वाले है ना वो अपना अमरूद 300-400 रुपए किलो है, उससे तो सेब जो है ना वो चारा रुलिया है, रुलिया है 250 रुपए किलो सेब रुलिया है, फिर भी अच्छा जी अच्छा चलो सेब खा लेने हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ आ गई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ अंकल, जो है ना वो कह रहे थे खवातीन को अपने कपड़ों की पड़ी होती है सिर्फ, आप बीवी बच्चों के कपड़े पूरे हो जाए हमारी खैर होती है, आप मानती हैं इस बात को? हाँ मर्द ऐसे ही करते हैं, वालिद साहब खास तौर पे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, अपने लिए नहीं बनाते। और आप लोग बिल्कुल आप लोग इंसिस्ट नहीं करते कि वालिद साहब आप भी बनाए? नहीं मैंने मैं इनको तो, ये मैं तो करती हूं। करती है ना, मैंने ये कहा कि खवातीन एहसास करती है, अंकल ऐसे ना कहें। हाँ क्यों नहीं, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अल्लाह ठीक है। आप हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली रमज़ान का पिछले साल से इस साल, अब लोग अक्सर ऑब्वियसली परेशान हैं, इनकम नहीं है, रोज़गार नहीं है, लेकिन कुछ हमारे चार्ट के मुताबिक चीज़ों के मुताबिक कंपैरेटिवली सस्ता हुआ है, फल सब्जियां घी दालें पिछले साल महंगी थी, इस साल थोड़ी सस्ती, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, वैसे ही है कपड़ा हर चीज़ महंगी है बिल्कुल महंगी, मार्केट से महंगी मिलेगी, लोग भी महंगी बेचते हैं, लेकिन वो दुकानदारी वो ऐसी भी नहीं है जो पहले पिछले साल में थी, उसकी वजह खाली मैं पैसे की प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ शॉपिंग कर लो या बिल दे रहे हैं, ये वजह है। सही है, लेकिन हम देखते हैं बाजारों में भी बड़ा रश है, लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, तो रहे हैं आप खुद ही देख लें दुकानों में क्या हाल है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है या बिल दे रहे तो यहाँ शॉपिंग कर लें, बिल दे दें या शॉपिंग कर दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आए जरा आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाते हैं चीज़ों का। नाज़रीन इस वक्त मैं एक ऐसे आयल में मौजूद हूँ जहाँ पर रेडीमेड कपड़े जो हैं वो लटके हुए हैं और मोस्टली लोग जो हैं वो अब इनको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली ब्रांड्स के कपड़ों के नस्बत थोड़े सस्ते मिलते हैं, तो इनका ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि पिछले साल एक सूट कितने का था और इस साल कितने का। अस्सलाम वालेकुम। ये टू पीस सूट लटके हुए हैं जी, कितने की कीमत है ये? इस साल 1200। इस साल 1200, मेरा इंट्रो सुन लिया आपने, इस साल ये 1200 है जी। तो लेके जा रहे हैं लोग खरीद रहे हैं, रोज़ के कितने बिक जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है बिक जाते हैं 30-40। और पिछले साल रमज़ान अगर आपको याद हो तो ईद के करीब ये सूट कितने का बिका था? 1400-1500 महंगा था, और 1200 का कह के आप 1000 तक का दे देते हो जी, 1000 तक का दे देते हो। चलो मेरा एक सूट तो पैक कर दो ना 1000 रुपये का, मैंने 200 रुपया ऑन एयर जो है ना वो सस्ता करा लिया भाई से, इसका मतलब कपड़े कीमत में कमी हुई है। दुपट्टे भी सस्ते हुए हैं? दुपट्टे जी सस्ते हुए। कितने पिछले साल? 400 का था, 350 का सेल, 350 का सेल कर रहे हैं, 350 का दुपट्टा मिल रहा है जी, 1200 का ये सूट 1000 में दे देते हैं। अगर आपने यहाँ आना ना कपड़े लेने तो आपने 200 रुपया खुद ब खुद ही कम करा लेना है। अगर जब हम आम मार्केट की बात करते हैं किसी बगैर ब्रांड के और ओपन जो चीज़ें मिल रही होती हैं जिनमें कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, चूलरी है, चूड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनका प्राइस कंपैरिजन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले साल ईद के करीब क्या कीमतें थी और इस साल क्या है। और ये शॉप ऑनर हमारे साथ हैं, सामने को क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, ये वो भाई हैं जो कभी सस्ता नहीं करते, मेरी इनसे 2-3 दफ़ा लड़ाई हुई है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ शॉपिंग करने आती हूँ, चूड़ियाँ सस्ती नहीं देते, इस दफ़ा सस्ती दे रहे हैं ईद से पहले कि कोई नहीं?
अभी दे रहे हैं, कुछ सस्ती भी दे रहे हैं, जो अच्छी वाली हैं वो नीचे रखी हैं, जिस कस्टमर को चाहिए हो वो फिर नीचे से देते हैं, वो कीमत उसकी ज़्यादा होती जी, है अच्छी वाली चीज़ है। पिछले साल की निस्बत इस साल चूड़ियों की कीमतों में या ओवरऑल आपके पास ज्वेलरी भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, कम हुई हैं चीज़ें या नहीं, सस्ती नहीं? क्यों? डॉलर पिछले साल की निस्बत नीचे है, पेट्रोल की कीमत पिछले साल की निस्बत नीचे है, बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, इन चीज़ों पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? अभी अब ये रूल 200 रुपीज़ महंगा हो गया। ये कितने का दे रहे हैं? ये 100 ईच दे रहे हैं, पहले 150 के दो देते थे मार्जिन आ जाता था, 100 ईच दे के मार्जिन नहीं आता इसमें। 100 रुपए का ये एक इतना सा चूड़ियों का पैकेट है, इसका मतलब ये वाली चीज़ें जो हैं इसको हम लग्जरी कह दें, ये हमारी लग्जरी है, ये महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ये कंपैरिजन खाने पीने की चीज़ों से लेकर ईद की शॉपिंग तक का हमने आपके सामने दिखाया कि मैं चूड़ियों के स्टॉल पे मौजूद हूँ और ये छोटा सा चूड़ियों का एक सेट जो है जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी चूड़ियाँ, ये पूरा एक सेट बनाया हुआ है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपया ईच है, पिछले साल 150 रुपये में दो मिलते थे। तो ये जो कंपैरिजन है आपके सामने है कि कुछ चीज़ों में कमी हुई है, कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ है उनकी कीमतों में, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके ज़राए इनकम, अगर आपकी ज़राए इनकम पिछले साल की निस्बत बड़ी है तो आपके हालात बेहतर होंगे, अगर वो कम हुई है तो इस साल महंगाई अगर 10, 20, 30, 50 या 100 रुपये अभी सस्ती हुई है तो वो आपको महंगा लगेगा। लोगों के हालात आपके सामने हैं जी, और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिस्टम इंटैक्ट हो और जो कीमतें इनकी तो मैं बात नहीं कर रही, लेकिन खाने पीने की चीज़ें और बाकी चीज़ों की जो कीमतें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके ऊपर अगर मिलना शुरू हो जाए तो शायद चीज़ें और लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो तमाम आइटम्स हैं वो उनको सस्ती मिलना शुरू हो जाएँ और लोगों के हालात थोड़े बेहतर हो जाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।